पंजाब मंत्रिमंडल ने वातावरण प्रदूषण रोकने के लिए राज्य में रजिस्टर पुराने ट्रांसपोर्ट नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला किया है। दरअसल 15 साल तो पुराने निजी वाहनों के मालकों से 8 साल तो पुराने व्यापारक वाहनों को पंजाब की सड़कों पर चलाने के लिए हुण तुहानूं ग्रीन टैक्स देना पवेगा। सूत्र अनुसार यह कदम उद्देश वाहन मालकों को अपने पुराने वाहनों को स्वै इच्छा नाल स्क्रैप करने के लिए उत्साहित करना है, क्योंकि सरकार ने अजे तक ₹6,000 व्यापारक वाहनों की दरां भी कुछ चेंज कर दी गई ने, बदल दी गई ने, जिसके अनुसार 8 साल पुरानी मोटरसाइकिल ₹250 प्रति साल, 3-व्हीलर ₹300, मैक्सी कैब ₹500 प्रति साल, लाइट मोटर व्हीकल यानी कि LMV ₹1,500 सालाना, मध्यम मोटर वाहन ₹2,000 सालाना, भारी वाहन के लिए ₹2,500 सालाना अदा करने होंगे। हुण तुहानूं दस दिंदे हां कि ग्रीन टैक्स जो लगन जा रहे ना वाहनों ते है कि ग्रीन टैक्स जिसनों प्रदूषण टैक्स ते वातावरण टैक्स भी कहा जाता है, असल दे विच एक आबकारी टैक्स है जो सरकार प्रदूषण का कारण बन रहा वस्तां तो वसूलती है ते टैक्स इकट्ठा करती है। इसका मुख उद्देश लोगों नूं वध प्रदूषण फैलाने वाले साधनों की वरतों करन तो रोकना हुंदा है, जिस दे नाल प्रदूषण नूं घटाउण दे विच मदद मिलन की उम्मीद भी हुंदी है, नाल ही इस तो मिलन वाला पैसा वातावरण सुरक्षा ते प्रदूषण घटाउण दे कम्मां दे लई भी वरत्या जाता है। जेकर वाहनों दे लगे ग्रीन टैक्स की गल की जाए तो टैक्स वाहन के आकार ते किस्म के हिसाब के नाल ही होगा।